वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला सबसे ज्यादा विवादित और सबसे ज्यादा पॉपुलर शो बिग बॉस 14 में नजर आ चुकी हिमांशी खुराना अक्सर अपने म्यूजिकल वीडियोस को लेकर चर्चा में बनी रहती है। इसके साथ ही हिमांशी खुराना और आसिम रियाज के रिलेशन को लेकर भी हिमांशी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती है। कुछ समय पहले ही हिमांशी खुराना का नया गाना अफसोस करोगे रिलीज हुआ था। इस गाने में हिमांशी खुराना अपने बॉयफ्रेंड यानी कि आसिम रियाज के साथ रोमांस करते हुए नजर आई थी। इस गाने के रिलीज होने के बाद हिमांशी खुराना अपने आने वाले प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी हो गई थी। इस बीच ये खबरें आ रही हैं कि हिमांशी खुराना की तबीयत खराब हो गई है। इस बात का खुलासा और किसी ने नहीं बल्कि खुद हिमांशी ने ही किया है। कुछ समय पहले ही हिमांशी खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो व्हीलचेयर पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट की माने तो हिमांशी खुराना PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नाम की बीमारी का शिकार हो गई हैं। हार्मोन्स की गड़बड़ी के चलते हिमांशी खुराना की शरीर पर सूजन बढ़ने लगी है और काफी ब्लीडिंग भी हो रही है। यही वजह है जो हिमांशी खुराना ठीक से चल भी नहीं पा रही है। हिमांशी खुराना इस समय गोवा में शूटिंग कर रही हैं। हिमांशी खुराना के एक करीबी ने खुलासा किया है कि फ्लाइट में भी हिमांशी खुराना की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें व्हीलचेयर की मदद से फ्लाइट के अंदर ले जाया गया था। शेयर किए गए वीडियो में भी हिमांशी खुराना व्हीलचेयर पर नजर आ रही हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए हिमांशी खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि व्हीलचेयर पर होने के बाद भी काम करना सबसे जरूरी है। इस वीडियो को देखकर हिमांशी खुराना के फैंस काफी घबराए हुए हैं, जिसके बाद सभी लोग सोशल मीडिया पर हिमांशी खुराना की हालचाल लेने लगे हैं। वैसे अपनी पोस्ट में हिमांशी खुराना ने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उनको कौन सी बीमारी हो गई है। वैसे काम खत्म होते ही हिमांशी खुराना सर्जरी करवाने वाली है। वहीं आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में हिमांशी खुराना ने इस बात का खुलासा किया था कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से उनका वजन अक्सर बढ़ता रहता है।